नमो शुद्धानं नमो आर्यनं नमो वज्जायनं नमो लोये शविशावनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवरिधीमानाय निर्दूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाइति सर्वज्ञशासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थिशासन जयवन्ति वरिते यही वावि अविचिन्न रहिताय मन में शरीवागीशासन जयवन्ति वरिते बरे दीमाने प्रभु नमन कर मंगले में अविकार पंचमी दिवस मई पाल चरितिका सुनो वविके सुकुकार जैन पुराणों की मंगल में गाता गाते हैं महिपालिका मंगलकारी चरिति सुनाती हैं। एक मंगलकारी चरित्र महिपाल का, उस मंगलमयी चरित्र का आज पंचम दिवस है। सब आयु से जीवित रहे हैं, बात जिन बर ने कही कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। आचार्य भगवन कहते हैं समय सार परमागम के बंधाधिकार में सुख दुख जीवन मरण सब कर्मोदय के अनुसार होता है। जीव को जो प्रतिकूल संयोग मिलते हैं वे सब असाता का योग, शरीर की स्थिति आदि का रहना वो आयु कर्म का योग है। एक कर्म का योग है पर धर्म का योग ये है कि इस प्रकार का सब चलता रहता है लेकिन धर्मात्मा इस कर्म योग से न्यारा अपने चैतन्य को निहारा करता है। पति का वियोग हो गया था, भीषण समुद्र था, कल का सुना था ना, भीषण समुद्र था, स्त्री पर्याय थी, तिरना सरल नहीं था, लेकिन सब जब योग बनता है तो सब योग बन जाता है। हे भव्य, हृदय में जिन भक्ति का योग रखना, चैतन्य की महिमा बनाए रखना, कर्म का जो योग बने उसको सहज भाव से स्वीकारते रहना। सती ने, सोम श्री ने महिपाल का साथ नहीं छोड़ा, यानी धर्म का साथ नहीं, वो धर्मात्मा था।
ये नहीं विचार किया मैंने तो राजकुमार को वरण किया था, आज इसके संग इनके संगे क्या जाए। स्थितिकरण किया बल्कि उल्टा कहा कि आपको धर्म ही श्रेष्ठ समझ करके निर्णय यही लेना था आपको कि मैं तो धर्म के लिए तीन लोक को छोड़ दूंगा, डूबते डूबते भी मैं पाल के लिए निश्चिंत किया था। जो छोटों का कर्तव्य हुआ करता है कि बड़ों को निश्चिंतता देना, निश्चिंतता ही प्रसन्नता की जननी है। जिन्हें आप निश्चिंत देखना चाहते हो, प्रसन्न देखना चाहते हो, उनको निश्चिंतता दो। और निश्चिंतता छोटों के लिए धर्म ज्ञान कराना है और बड़ों के सामने समझदार लोगों के सामने धर्मानुकूल वर्तन करना। समझ में आया? बड़े मतलब जो समझदार हैं उनके सामने आप धर्मानुकूल वर्तन करोगे तो भी निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं आपकी परिणति धर्मानुकूल रहेगी तो आप सुख के अनुकूल रहेंगे। क्या किया? डूबते डूबते मैं पाल का स्थितिकरण का, घबराओ नहीं, मेरी चिंता नहीं करो। योग बना, सागर के किनारे लग गई, प्रभु का नाम स्मरण करती हुई जा रही थी, घबरा नहीं रही थी। आज हम जरा जरा सी विपदाओं में टेंशन है करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अरे याद करो उस सती को, कैसा बल होगा कि इतना बड़ा सागर तैर रही है। पति किसी देश में लगा और वे किसी देश में जाके लगे, जरूरी एक ही में थोड़ी लगे। वो जा करके दूसरे नगर में गए और ये जा करके दूसरे क्षेत्र में लग गई थी, रत्न संचयपुर नाम के नगर में। जब गई थी तब था एक एकांत जंगल, कांप रहा था चित्त, जंगल को देखकर नहीं कांप रहा था अपितु इसलिए कांप रहा था, कोई शील का लुटेरा ना मिला। समुद नहीं थे उसे सागर में चिंता, बामच गड़िया लई थे सील के भक्षक कोई नहीं थे, अत निश्चिंत सो थे। लेकिन ताने आया मानुज का कोई सील लुटेरा न मिल जाए, इसी चिंता में चति कदे को चित्ते कंपाए। भीषण भयानक जंगल दख आते उर्स देख कपुते, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते। सुनो जी मंगल जन पुराणिया तो जीवन बन, भगवान का नाम स्मरण कर रही थी। मरथर बिना को न सहारा, जिन राज प्रभु बरुमारी, तुमी मातु पिता तुमी बंधु सका, तेरा नाम ही हमको सहारा, जिन राज प्रभु बरुमारी। एक सुंदर पुरुष का वेश बना करके आ गया था, इतना सुंदर रूप था उसका, ऐसा सौंदर्य बनाकर आया। सती उसको देखकर कांपने लगी, मैं इस नगरी का राजकुमार हूं, ये भैया तू कोई भी हो कुछ भी हो,
मेरे लिए भाई, मैं संकट से घिरी हुई हूं। अगर तुम मुझे सहजता से स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे शक्ति प्रयोग करनी पड़ेगी। अरे पापी, तू शक्ति का प्रयोग करोगे तो हमारे पास भक्ति है, तू मुझे अकेला मत समझना। सती ने जो प्राण देने की सोची है, तभी उसने कहा रूप ही बदल गया। भगवान का नाम लेकर, हे प्रभु, मैं अपने प्राण छोड़ सकती हूँ, मैं अपना सील नहीं छोड़ सकती। तुम ही माते पिता, तुम ही बंधु सका, तेरा नाम ही एक सहारा, जिन राज प्रभु भरुमारे, मारा थारे बिना को ना सहारा, जिन राज प्रभु भरुमारे। ब्यानक वन में एकाके ओ भक्ति मैलीन भई। तब तो जो लीन भई है तो भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो कहे बहिन चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तेरे चित्त में जिन राज की भक्ति जो है, वो जिन राज की भक्ति के सामने तीन लोक की शक्तियां, सील की शक्ति के सामने तीन लोक की शक्ति विफल है। बहन आंख खोलो, मैं ही तेरा भाई। मुकुट लगाए और एक देव खड़ा था, एकदम राजकुमार से देव कैसे आ गया? क्या राजकुमार को देव ने मार भगाया? बोलो, वो कोई राजकुमार नहीं था, अपितु देव ही परीक्षा लेने आया था, और प्रकट होकर कहने लगा, धन्य बहन तेरा सील, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे, चिंता नहीं कर। कहा कुछ प्रकट हुआ दर मातिमा, बोला बचन सुखदाई, चिंतित ना हो बहन, हम तारे एवक वर्त तेरे, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन उरा या तो जीवन बने। हे बहन, मैंने जब तुझको सागर में डूबते हुए देखा तो मैं करुणा से भीग गया, मैंने इस प्रकार से तेरी सहायता करी जिससे कि किसी को पता भी ना चले। फलक आया वो सीधा होता हुआ, बिना उसके निकले आए ना दैवी सहायता से, लेकिन फिर भी एक विकल्प आया तेरी परीक्षा का, और तू उसमें भी सफल हुई। तेरे सील के रक्षक बन साथ में सदा रहेंगे। तू सील की चिंता मत करना, तू अपनी परिणति को संभालना, तेरे सील के रक्षक हम हैं, अकेली मत सेचना। अरे जिसके साथ भगवान हुआ करते हैं, जिन शासन हुआ करता है, वो अकेला तो देखता है लेकिन अकेला नहीं देखता है। समझ में आया क्या कहा? अकेला देखता है, अकेला नहीं देखता है। मतलब क्या? अंतर में अपने द्रवि कर्म, भाव कर्म, नव कर्म से न्यारा चैतन्य को देखता है, अकेला देखता है। परंतु जब उससे बाहर होता है तो अनंत सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, अनेक साधर्मियों का समूह उसको दिखाई देता है। धर्म है वहां मेरा, सब कोई है, कोई घबराने की बात। तेरे सील के रक्षक बन के सदा साथ रहेंगे,
नगर में आदि स्वर का मंदिर, वहाँ तेरे पति भी मिलेंगे। निकट निवासे धर्मी जनों का वहीं दिखाते हैं, अरे मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन बनी महान। बहन नगरी का रास्ता इधर से है भैया, नगर के नाम से कांप रहा था चित, घबरा नहीं ना हमें तेरे साथ। वहां आदिनाथ भगवान का विशाल मंदिर है, धर्मात्माओं के वास का भी एक स्थान है, पवित्र है। हम लोग भाई तेरे रक्षक बनकर रहेंगे, भगवान की भक्ति के लिए हम लोग वहां जाया करते हैं। बहुत विशाल मंदिर है, बड़ी पवित्र भावनाओं से बनाया हुआ नगर वासियों का मंदिर है। अनेक देव धर्मात्मा देव वहां रहते हैं, आते जाते हैं, बहुत से देव बैंतराधिक देव निवास भी करते हैं वो अनेक अन्य अन्य स्थानों पर। सब तू चिंता मत करना, हम सब तेरे सहायी होंगे, बस तू मंदिर का रास्ता ग्रहण कर, इधर से रास्ता है, वहां जाकर के तू रहना और बहन अपनी आत्म साधना करते रहना। कुछ दिन का कर्म का योग है, तेरे पति भी मिलेंगे। पुराना उदाहरण याद करें, देव में शक्ति नहीं थी क्या, उठा करके ले जाता और महीपाल से मिला देता। बोलो ऐति शक्ति के नहीं है, नहीं ऐति। कर्म से यदि कोई कुछ करने में समर्थ, जिस पर्याय को जिस समय आना है उस पर्याय को उसी समय आएगी, उसको आगे या पीछे करने की शक्ति तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र परमात्मा में नहीं है तो हम और तुम का। जो पर्याय जिस समय आना है वो आएगी। भगवान कहते हैं परद्रव्य के प्रणमन कराने की, परद्रव्य को आगे पीछे करने की नहीं, जो प्रणमन हो रहा है। कहते हैं इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र कोई भी टालने में समर्थ नहीं भवितव्य को। भगवान भी भवितव्य दिखाया करते हैं, भवितव्य को, भविष्य को, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, सुधारा जा सकता है। भवितव्य को बदला नहीं जा सकता, भवितव्य समझकर निश्चिंत रहा जा सकता है। सोम श्री तत्व ज्ञानी थी, मुझे मेरे स्वामी के पास ही तो पहुंचा दो, उसने भी नहीं कहा। जब जितना कर्म का योग है, तुमने किसी का वियोग आदि जितने समय के लिए पूर्व पर्यायों में कराया है तो उतना तुम्हें भी होगा। अनेक उदाहरण आते हैं, हमें उस समय नहीं अन्य कथाओं के लिए, जितना वियोग कराया है उतना वियोग होगा। चकवा चकवी को दूर किया था जितना समय, उसके वर्ष बन करके सामने आए थे, तुम्हारा थोड़ा समय और है वो कटना है। तुम वहां रहकर धर्म आराधना करोगे तो वो और शीघ्र कट जाएगा और कुछ दिन बाद तुम्हारे पति का वहां मिलन होगा। तब तक तुम धर्म साधना आराधना में मग्न रहो। सती ने प्रसन्नता जाहिर करी, कह रहे मुझे आराधना का समय मिलेगा, ऐसा उत्तम अवसर और क्या है। पहुंच गई थी जिनालय, भगवान के भक्ति से दर्शन करें। जिनराज जी महाराज जी मेरे ये हैं बस प्रार्थना, छूटे न कभी थारे चरणिना, छूटे न मारी आराधना। मैं ज्ञानी गण आनंद कन चैतन्य रे यही बाबुना, छूटे ना
थारी आरा दीना। तुम्हें माति पिता बंधु सका मेरे सर्वस्य नाथ, तुम बिन मेरा कोई नहीं। सुनो त्रिलोक की नाथुरे चरणन की भक्ति देवना, छूटे ना प्रभु आरा दीना। ये कांति में ये कत्य विभक्ति आत्म स्वरूप को बाय, भगवान की भक्ति आत्मा की महिमा। मंदिर का तो समय होता है, अंदर का समय नहीं होता है। अंदर तो सदा रहो, मंदिर की समय सीमा में मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन भगवान ने जो परमानंद का मंदिर आत्मा को दिखाया है वह कभी बंद होने वाला नहीं है। उस एकांत धर्मशाला, आज की भाषा बोल रहे जो बोलते थे उसको, वहां जाकर के फिर अपनी साधना भगवान की भक्ति ऐसी मग्न रहती थी। रे एकांत में एकत्व विभक्त आत्म स्वरूप को बाय, सुंदरी एकत्व को पाकर सुंदर जीवन जी, प्रभु के भक्ति करते बाय में प्रसन्नता वरते रे। हरिमयी पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण लसो जीवन बने ओदरे। सोमश्री के बाद में चलते हैं अपन महीपाल के निकट, चंद्रलेखा नाम की कन्या के साथ में। कुमार महीपाल का विवाह हो गया था, आधे राज्य के अधिपति बन गए थे, धर्म के लिए राज्य छोड़ा, राजकुमारियां छोड़ी, सब छोड़ के चल दिया था, और धर्म ने सब योग बनवा दिया। इसलिए भाई कर्म का योग कैसा ही आता रहे, धर्म का योग बनाए रहना, कर्म योग जो बना है वो चला जाएगा। और यदि तुमने धर्म को और छोड़ दिया तो जो कर्म का योग आया वो वज्र हो जाएगा, मतलब वो उसको वज्र बनाने वाला, तू धर्म से दूर हो जाता है। और तू धर्म से दूर हो जाएगा तो कर्म तेरे और निकट होता जाएगा। इसलिए उस धर्मात्मा ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उसका फल क्या आया कि बंधे हुए पुण्य ने उसकी संपदाओं को भी नहीं भियोग, बीच में पाप कृत विपदाएं आई और पुनः वही की वही सब व्यवस्था बन गई। उदारी और एक दिवस राज्य अवस्था में रह रहे हैं, बड़े खुशी के दिन थी। एक पर्वत पर उदरे मई पाले के पर्वत पर सुकुदाई, निकट का एक पर्वत था। नगर में घोषणा हुई कि बड़ी खुशी का अवसर है, निकट के पर्वत पर भगवान केवली नाथ पधारे। नाम तो पुराण में नहीं आया लेकिन साक्षात भगवंत तो पधारे, तीर्थंकरो भगवान में तो केवली भगवान पधारे। बोलो केवल ज्ञानी परमात्मा की, अहो जिन राज मारी नगरी में आए हैं, अहो जिन राज मारी नगरी में आए, आनंद मेरे उरे न समाए रे, अहो जिन राज मेरी नगरी में आए हैं, अहो महाराज मारी नगरी में आए। द्रवेन्द्रिय भावेन्द्रिय इंद्रिय विषयों से आओ भिन्नी आओ,
सहज अतिन्द्रिय जानन आरा निज स्वभाव से अभिन्न कहो उसको दर्शन प्रभु वर आए हैं अघो दिन राजमारी नगरी में आए। उसको दिखा रहे थे, धर्मात्मा देख रहे थे, वो जिनेंद्र की भक्ति कर रहे थे, चारों तरफ खुशियां छा रही थी। केवल भगवान की गंदी कुटी मिल गई सुकुदा। गंदी कुटी में पूर्व नगर महिपाल उष्णवर खुशी से भगवान की समय सारे मई मंगल देश न सुने अरसाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा निया तो जी बन बनी। समय सार की मांगलिक देशना खिरने लगी। भगवान साक्षात दिव्य देशना परमात्मा की कैसी अद्भुत होगी। हाँ साक्षात दिव्य देशना क्रिय मई पाल का रोम रोम पुलकाया है। जब सुना सुधात्मा महिमा डूब में डूब गए। और दिव्य देशना के बाद में उसके उपरांत महीपाल ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोलो क्या पूछेंगे हैं? कुछ पूछेंगे? हे भगवन, ऐसी देशना सुनने के बाद में भी, तत्व सुनने के बाद में भी मेरे अंदर एक सल बनी रहती है, विकल्प बना रहता है। क्या विकल्प हो सकता है बोलो हैं? बोलो क्या विकल्प हो सकता है? तेरे धर्मात्मा ऐसा नहीं होता कि अपना मिल जाए तो अपने अपने जनों को ही भूल जाए। भूमिका का राग भी छूटता, चंद्रलेखा के साथ में विवाह हो गया, राज्य मिल गया, धर्म पिता मिल गए, तो भी अपनी माता को नहीं भूली है। और धर्मात्मा पिता को धर्म का अतिशय दिखाना ये भी नहीं भूले। उस धर्मात्मा पिता नहीं था, धर्म रहित पिता को धर्म का अतिशय दिखाना ये भी नहीं भूले हैं। और सोम श्री को भूल कैसे जाएंगे? उन्होंने पूछा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ गोत्र कालज्ञ हो, आप मेरे हृदय को जानते हो, धर्म परायण मेरी पत्नी सोमश्री का क्या हुआ? क्या उसने समाधि पूर्वक देह छोड़ दी? क्या वो आयु कर्म के अधीन बच गई? क्योंकि बचना तो बड़ा मुश्किल था, शब्द ही लगाया तब भगवान की देशना में आया। फिर सोम श्री की पूछे सब वृतांत सुन के भाई, मारा भगवान की दिव्य ध्वनि में जो अपन ने अभी कथा ली थी वो आई, इस प्रकार से आई। रत्न संचय पूरे नगर को चले कुंवर सुकुदाई। वहां रत्न संचयपुर में आदिश्वर का मंदिर है, वहां साधना में लीन है, और वहीं तुम्हारा मिलना वही मिलना होगा कुछ संपदाओं के साथ में। जब ये सुना कि मेरी धर्मपरायण पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है, तो सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके चल दिया। ऐसे ही सुख रूपी स्वानुभूति रूपी रमणी तेरा इंतजार कर रही है, तू ये सो असो सकल भावों को छोड़ कर रे चेतन चला जा। अनादि से तेरी परिणति सुनी है चैतन्य तेरे दर्शन के बिना। तेरी परिणति सुनी चेतन निज के दर्शन बिना। राजा जी कहा, धर्मात्मा सेठ ने भी बहुत रोका, अपन रत्नपुर संचयपुर जा करके उसको यहीं ले आएंगे। भगवान के ज्ञान में जो आया है उस अनुसार चलना योग्य है।
मेरा खुद का मिलन वहां पर होगा और मैं स्वयं ही वहां जाऊंगा और यहाँ मेरे पिता की प्रसिद्धि भी तो नहीं होती है, मुझे सभी जमाई कहा करते हैं। यहाँ पर तो लौकिक रीति से भी अधिक रहना योग्य नहीं है। तब धर्मात्मा सेठ और राजा से अनुमति ली है, चित्त तो नहीं कहा लेकिन फिर भी देख करके हाँ पाड़ दी। और क्या किया, एक विशाल बड़ा जहाज तैयार किया। ऐसे विदाई नहीं करेंगे हम अपनी बेटी को। जहाज में बहुधन से निप्र बा सृष्टि भरते हैं, मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा निया तो जी बनी बनी महान। उस जहाज को धन के द्वारा राजा ने अपना खजाना खाली कर दिया बेटे के लिए, आधा राज तो दे ही दिया था, तो जो राज्य का था वो भर दिया। बेटा हम ऐसे विदाई नहीं करेंगे, सेठ ने भी खूब दिया, हम तो वहां बेटा ऐसा थोड़ी होगा। और दे करके चंद्रलेखा की भी विदाई करी है, पिता ने योग्य संस्कार दिए। तेरे हृदय में धर्म रही, मेरा यही आशीष तुझे बिटिया। चित से कभी धर्म नहीं जाए, मेरो यही आशीष तुझे बिटिया। तेरे चित में श्री जिन धर्म ही रहे, मेरो यही आशीष तुझे बिटिया। जहाँ धर्म रहे वहाँ संपदाएं स्वयमेव सहज ही आती हैं। ए विपदाएं तो पापे का अनुसरण करके आती हैं। कैसी भी परिस्थिति बन जाए, तेरे हृदय में जिन धर्म रहे, मेरा यही आशीष तुझे बिटिया। तेरे हृदय में तेरे धर्म रहे, है कर्म कर्म फल सो न्यारा, इस धर्म को तू समझ जाना। अंतर्मुख हो करके बेटा, परमानंद उसका तू पाना। परम तृप्ति आनंदमयी, परम तृप्ति अरु आनंद में परिणति हो यही आशीष बिटिया। तेरे हृदय में जिन धर्मी रहे, मेरा यही आशीष तुझे बिटिया। गुरुजन का सदा आदर करना, का छोटों में ईष्ने धारना। लोक के जीवन भी ऐसा हो, अलौकिक जिन धर्म प्रभाव नियो। तेरा जीवन लखे कर बिटिया, सबको धर्म प्यारा लगे बिटिया। तेरा मेरा तेरे हृदय में बेटा, परमार धर्म की साधना करते हुए पूरा लिखा हुआ है, पूर्व में सुनी होगी आपने। व्यवहार लोक व्यवहार के धर्म को भी नहीं पूछ लोलना, जिस घर में गुरुजनों का अनादर होता है उस घर का सारा पुण्य छीन हो जाता है। इसलिए अपने सास ससुर बड़े जनों का यथा योग्य सम्मान रखना, छोटों में स्नेह को धरना, अपने कर्तव्य को भूलना नहीं, कर्तृत्व को धारण करना नहीं। कर्तव्य की झोली में अधिकार है और कर्तव्य के पालन बिना अधिकार चाहे तो धिक्कार है। बेटा अधिकार की चाय मत करना, कर्तव्य का पालन करना।
अगर आप आदर करोगे तो स्नेह मिलेगा, स्नेह दोगे तो आदर करना मिलेगा। क्या अपने सबके प्रति इतना स्नेह बनाए रखना, कभी तोड़ने के काम नहीं करना, जोड़ने का कार्य करना। अनेक अनेक शिक्षाएं दी हैं अपनी बेटी की और विदाई कर दी। चंद्रलेखा की करी विदाई, साथ में ही दो मंत्रियों में से अर्थार्णव नाम के मंत्री को साथ में भी भेज दिया कि कुंवर साहब अकेले जा रहे हैं, तुमको पूरी व्यवस्था के साथ इनकी रक्षा करते हुए आगे पीछे की व्यवस्था रखना है, कोई जरूरत पड़े तो हम दूसरा जहाज रक्षा के लिए भिजवा देंगे, हमारे राजागण जहाँ भी मिलेंगे और जो भी हो सब व्यवस्था कुंवर साहब की तुम्हें उस रत्न संचयपुर में जा करके करना है। इसलिए जब ये रत्न संचयपुर से आगे निकल जाएं अपने राज्य की तरफ तब तुमको हमारी नगरी लौटना है, उसके पहले नहीं आना है। अर्थार्णव को समझाया है और चंद्रलेखा के करी विदाई, रक्षा के लिए भेजा था किसको, मंत्री को, साथ मंत्री अर्थार्णव भेजा, करना इनकी रक्षा मंत्री इन प्रणे आदेश सुनाया। जहाज चलते अर्थार्णव की दृष्टि पलटती है, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जहाज पलटा, जहाज जो चला और एक दिन उस अर्थार्णव ने चंद्रलेखा को देखा और चंद्रलेखा को देखते ही, संपदाओं को देखते ही भय कसायों में डूब गया। सोचने लगा ये चंद्रलेखा मुझे मिल जाए, ओहो रक्षक ही भक्षक हो जाए। लेकिन सोचने लगा मैं तो सेवक हूं, मैं स्वामी थोड़ी हूं, किसी भी युक्ति से महीपाल को मरवा दो, अन्य से मैं अपने विचार रखूंगा। महीपाल तक ये विचार पहुंच गया, बड़ा राज्य का राजकुमार है, मेरा एक खड़ग में ही मरना हो जाएगा, कोई युक्ति अपनाना चाहिए। देख चंद्रलेखा को दुर्भाव उताया, पुत्री बते राज कन्या के प्रति पाप भाव आया। बेटी जैसी थी, भेजी इसीलिए थी इनकी आपकी रक्षा करना, अपने जमाई है। मारे मई पाल लूं धनवा कन्या, योजना बनाते हैं मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी मान। सोचने लगा इस मई पाल को मार दूं पर तो सब सेवक हैं, और सेव को पता मेरा आदेश चलता ही, अगर मैं किसी के आदेश में रहता हूं तो मई पाल के में रहता हूं, मार डालूंगा पर मेरा को सुनने, मुझे रोकने वाला कौन है। अरे पापी तू ऐसा क्यों सोचता है कि तुझे कौन रोकने वाला है, अरे ये तेरा पाप परिणाम ही तेरी दुर्गति करने वाला है, अपने परिणाम से ही तेरी दुर्गति होगी, सदगति होगी शुभ गति होगी, पाप परिणाम से दुर्गति, धर्म व्यवहार धर्म रूप पुण्य परिणाम सदगति, और निश्चय धर्म रूप से शिव गति, हिंसा झूठ आदि पापों में मग्न रहेगा, देव साध गुरु से दूर रहेगा, शील संयम का भी ठिकाना नहीं रहेगा, दुर्गति होगी। सुन भगवान की भक्ति शील आदि का पालन करेगा, सदगति होगी, और पुण्य और पाप से न्यारा
शिव स्वरूप आनंद स्वरूप चितगन चैतन्य को निहारेगा शिव गति योगी, जिसमें तेरे परिणाम की गति वही बन जाती है तेरी गति। और क्या किया, कामंदे जीवो को योग्य अयोग्य का विचार ना होए, पाप बंद की भी चिंता, पाप का बंद की भी ना चिंता, जासो नरक होए। पाप बंद की भी होने चिंता नहीं है जिससे नरक मिलने वाला है। जाज संचालक को समझाते हुए सुपाते हैं, मही पालिका मंगलकारी चरिति सुनाते हैं। जहाज चलाने वाले से बोला, तुझे आवाज करना है तो मुझे लगता है चोर प्रवेश कर गए, चोर प्रवेश कर गए, चोर प्रवेश कर गए, ऐसा चोरों का दल आ रहा है, चोरों का समूह आ रहा है, ऐसा तुझे चीखना है। उसको कोई धन वगैरह दे दिया, लोभ दिखा दिया और उसको अपने वश में कर लिया जो जहाज को चला रहा था। अर्ध रात्रि माइया बाजे झूठी उन्नी लगाई, चोर आए ऐसे ही और देखो जाकर कोई भाई। चोरों का दल आ रहा है लूटने को जहाज, इसलिए कोई शीघ्र जाकर के देखो। महीपाल को पूर्ववत प्रसंग लख महीपाल, रस्सी पे चढ़ आगे देखते हैं, महीपाल का मंगलकारी चरिति सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी मान। याद आ गया, कांप गए रोम रोम से। जितना राग होता है उतना दुख भी होता है, भय भी होता है, ऐसी बात नहीं। किस बात से कि एक धर्मात्मा पत्नी को मैंने संभाला, उसका तो वियोग हो ही गया, इस दूसरी का भी और इसकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। माता सीता के वास्ते में राम ने ही तो कहा था, मुझे नवीन को स्त्री का संयोग करा दो, ऐसा कर दो, इसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा कोई कर्तव्य कि नहीं है। जिसके लिए सील, जिसके सील के, जिसके धर्म की रक्षा का मैंने वचन लिया है। तत्काल महीपाल ने कहा, अरे कहाँ है, कहाँ है? वो चिल्लाया, जहाज मुझे आगे दिख रहे हैं, आगे दिख रहे हैं। वो उसने देखा, कुंवर साहब आप मेरे से तो चढ़ते बनेगा नहीं। हाँ आप रुको, अर्थार्णव को तो रोक दिया और स्वयं एक रस्सी ऊंची थी अटके और उसके ऊपर चले गया, केरी रस्सी थी। इधर मंत्री आया, वो रस्सी पर चढ़े और मंत्री ने क्या किया, रस्सी काटता हुआ दिखा, उदय की दशाई भविना रूप में आएंगी, तू धर्मी नहीं विसरावीना, तू धर्मी नहीं भुलावीना, कभी पुण्य आने प्रयादर करे पापे रंग के पापो अनादरे कराए रे, तू न्यारा इनिसो देखिना, तू धर्म नहीं बिसरावी, पापो दे जवे आए गरे, निंदा जगत करने लगे, जब पुण्य उदय आएगा प्रशंसाएं आने लगे, तू इनमें नहीं रोके ना, अरे आगे ही बढ़ते जाओ ना, तू धर्म नहीं विसराऊ ना,
धर्म नाई बोलामीन। देव साहते गुरु में संकाये कवि नाई लावना। सुन रहे हो देव साधगुरु की शंका मतलब क्या? अरे भैया ये तो हम धर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हो तुम? हाँ जी जल्दी सोचने लगते। दृढ़ता से जिन्हें भक्ति रखो उससे भक्ति कोई बड़ा बिना। उदय की चिन उदय की विपदा उदय के साथी बैठी अरे लखावना। तू धर्म नहीं बिसरावना। काटने लगा रस्सी, काट रहा था। हाँ ज्ञाता बने मई पाले देखे। समझ में क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहा है? अरे फिर आया उदय खेल दिखानी, समझाया अर्थार नवे को। क्या करते हो अरे भाई रे? तुझे डुबाऊंगा सागर में, बचन निकलते जाना। तू धर्म नहीं बिसरा बिना। हवा इधर मंत्री आया रस्सी काटता हुआ दिखाए। आवाज दी मंत्रणी ये क्या कर रहे दुखुदा? ये क्या कर रहे हो? रस्सी बांध रहे हो और क्या कस के उसे काट रहे हो? ये कर क्या रहे हो? मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ ये मंत्री मंत्री कट जाएगी, मैं समुद्र में गिर जाऊंगा जाकर के। ये क्या कर रहा है ना? क्या कर रहे हो तुम? तुझे मारते जासो जाज के मालिक होते हैं हम। तुझे मार जासो जाज के मालिक होते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते। मुझे चू खटक रहा था, आज तो ये मार डालूंगा। अरे अब तो काटी थी, अब क्या कर पाएगा? और तब तक तो और गिरते गिरते में शब्द सुना ली, अब हम जहाज के मालिक भाई। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा या तो जीवन। शिव को बुलाया, पुकारा जहाज संचालक से, कहा रोक दो रोक दो। लेकिन किसी ने भी वो संचालक को तो पहले ही बता रखा है। चंद्रलेखा सीखी स्वामी गिर गए लगता है, रोक भाई रोक। और वो जहाज संचालक ने तो और तेज कर दिया जहाज की रफ्तार, गिर गया था समुद्र के बीच। कोई नहीं दिख रहा था। रस्सी कटते जहाज की, समुद्र में पुनः गिरा वो भाई। जो धर्म में उपयोग कटते भव सागर मिल तो भाई। रस्सी का सहारा छूटा और पुनः समुद्र में जाकर के गिर गया। समुद्र में जाकर के गिरा। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे धर्म से उपयोग हटते ही दुख के सागर में पहुंच जाया करता है। कर्मोदय का कर विचार कुंवर और शांत तवर तेरे। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा निया तो जीवन बनी मान। पहले तो विकल्प आया, चीखे गुस्सा भी आया, ऐसी बात नहीं। दुष्ट
तू ऐसा मत कर, डर तू, वो तेरी पुत्री वत है, तुझे तो हमारा रक्षक बन के भेजा था, महाराज को जब पता चलेगा तब क्या होगा। उसने कुछ नहीं सुना, फिर विचारने लगे, जो धर्म का विचार किया शांति आने लगी। अर तारण वे तो आकरिता इस परण मन माई लखो भाई, पूर्व में बांधे जो कर्म उनका उदय आयो भाई। होते हुए परण मन में गलती देखना ही गलती है, पंडित जी ने कहा था ना, होते हुए सहज प्रणमन हो रहा है। हे कर्म काई उदय नाना रूप में दिखाई रे, तू ज्ञाता रूप बाना अरे, तू धर्म नहीं विसरावीना, सम्यक विचार हृदय मिदर आनंद सोए बाव, कैसी विपदाएं आए प्रसन्न हर क्षण रहो ना, तू धर्म नहीं विसराव। एक ही प्रसंग नहीं, सबरी कथा लगा लेना। सोमा को रात्रि में भोजन के लिए प्रेरित किए रहे थे, लेकिन गुरुओं की वचन याद आ रहे थे, तू धर्म नहीं विश्रावना, मनोवती के लिए 7 दिन तक भोजन नहीं मिल रहा है, अंदर से आवाज आ रही है तू धर्म नहीं विश्रावना, एक समुद्र में गिर रहे हैं, कोई सहाय नहीं दिख रहा है, लेकिन याद आ रहा है तू धर्म नहीं विश्रावना, कर्म को धर्म से नहीं नापना, निरपेक्ष धर्म की साधना करना। समय अर्तार नव तो आकरता इस गोदय के परेण मन माई, पूर्व में बांधे जो करम भई उदय में आए भाई, पर वो भी मेरी उदयातीत ज्ञान सीमा को ना छूते हैं, मई पाल का मंगल कार चरित्र सुनाते। समय समय अवधि को अन्य जल त्याग दिया तबाई, क्या किया, अन्य जल का त्याग कर दिया चारों, लेकिन एक शब्द दिया है भावुकता नहीं, भावना समाधि की भावना अर्चन ज्ञानी को रा करती, लेकिन भावुकता नहीं होती ज्ञानी के जीवन में। समय अवधि मतलब पुराण की भाषा को याद अपन करें, यदि इस संकट से बचा कदाचित पहले जैसा कोई योग बन जाए, पहले तो जहाज टूटा था तो उसकी लकड़ी मिल गई थी, लेकिन अब कौन मिलेगा, अरे भाई जब आयु कर्म रहना है तो कुछ ना कुछ योग बनेगा ही, इसीलिए अगर इस उपसर्ग से मैं बचा तो मैं अन्य जलादि का ग्रहण करूंगा, अन्यथा मेरे चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग है, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण कर पंच नमकार मंत्र पढ़ते हुए चार आया है। जिंदरम जिंदरम तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजो देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम ही तो आमरी कर देंगे हम, आए पापी उदय नाई खेद करे, आए पुण्य उदय नाई अर्ष दरे, पुण्य पाप दो सौ पारे आत्मा को लग, पुण्य पाप दो सौ पारे आत्मा को लग, आनंदे मगन रहेंगे हम। जिंदरम जिंदरम तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजे देंगे हम,
समय अवधि को अन्य जल त्याग दिए थे भाई, निस्वरूप को बाते समुद्र तरे रहे थे भाई। किसकी उपत्रता हुआ आत्मा? अपने चैतन्य भगवान, उसकी भावना बहाते हुए जितना प्रयत्न किया राजकुमार से तैरना तो जानते थे, तैरने लगे लेकिन उतनी शक्ति नहीं थी, थोड़ा डूबने लगे, फिर पुनः तेरे तभी क्या होता है। विशाल काय संयोग की तो छोड़ो, गड़े मच्छ गड़े आल बोलतों ने रास्ता दे दिया, लेकिन एक बहुत विशाल काय आपको खबर होना चाहिए, इतनी बड़े बड़े होते हैं कि जहाजों के बराबर भी। हाँ विशाल काय के मच्छ, ऐसा मच्छ कि बड़े बड़े लोग तो दो चार लोग तो ऐसे चले जाए वक्त मुंह में, ऐसा विशाल काय। पुराणों में तो और बड़े बड़े सब सब विशाल समुद्रों में बड़े बड़े मच्छ और वो सब मिलते हैं। अगर अपन पुराना आगम उठा के देखे तो वहां कितने कितने वो सब मिलते हैं। तो भयानक मच्छ विशाल काय दौड़ता हुआ आ रहा है, किसकी तरफ? जिधर भाई कुमार बह रहा है उधर ही भाई दौड़ता रफ्तार में चला आ रहा है। विशाल काय के मच्छ आता दिखाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, याशो जीवन बने मान। आ गया तीव्रता से दौड़ा हुआ, मुख बाएं मुख फाड़े था और मुख फाड़े था और ज्यो कुमार के निकट आया है विशाल मुख लिए हुए, और कुमार ने जब उसको देखा तब परमेष्टि भगवान का स्मरण करने लगे। मृत्यु सने मोके आए तू चिंता न कर, हे अजर अमर निश्चिंतता लाए। मृत्यु को मृत्यु में लग बाई, अरे आनंद सुमर तू से लड़ना, अरे आये मौत तो भी घबराना नहीं, अजर आमरे प्रभु लखेंगे हम। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जो कुमार के निकट आया है मुंह तो बंद किया और ऐसे निकट आया, क्या करता है उछाला लेकर के मुंह में लेगा, मुंह में लेकर के क्या भक्षण करेगा, क्यों रक्षक बन जाएगा। वो तो तीव्रता से रफ्तार से कुमार के निकट आ गया है और आ करके और जो मुंह बाए हैं, कुमार ने सोचा है धर्म नहीं विसराव ना, मृत्यु आएगी मत घबरा, आ गया है कर्म का योग आ गया है, लेकिन मैं अजर अमर प्रभु को क्यों निकट आए विशाल काय। और जो नीचे आया है पंच परमेष्टि की भक्ति में डूब गए, अजर अमर प्रभु में डूब गए और वो निकट 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 ही आ गया, क्या करेगा? खाएगा कि छोड़ देगा? भक्षक है कि रक्षक है? क्या होगा चंद्रलेखा का? कैसे पहुंचेंगे अब पुनः? आप सब संपदाएं लुट गईं, फिर विपदाओं के निकट आ गए, लेकिन एक संपदा तो अंदर में है, वो धर्म की संपदा, चंद्रलेखा का सील।
कौन रक्षा करेगा, अर्थार्णव को कौन दंड देगा, महीपाल को पार लगाएगा कि जो मगर खा जाएगा क्या होगा, कैसे कैसे आगे कथा का प्रसंग बनेगा। अभी महीपाल के निकट आ गया है महामच्छ, कल समय पे अपन प्रारंभ करेंगे महामच्छ के उपसर्ग से कैसे बचेंगे महीपाल, पुण्य पाप की विचित्रता दिखाने वाली कथा समय पर श्रवण करेंगे। जैन पुराणों की मंगल में गाता गाते हैं, महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, राष्ट्र जीवन बने मन।